मोदी जी हो गए, ये नफरत ही फैला रहे हैं और इन्हीं की करनी पूरे देशवासियों को और उधर पाकिस्तान वासियों को। कोई नहीं चाहता कि जंग हो या कुछ परेशानी हो, किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना गलत है। आज इधर मोदी जी की कायरताना हरकत और दूसर इमरान खान की हरकत ये स्पष्ट जाहिर कर दे रही है कि ये भी कट्टरपंथी है, वो भी कट्टरपंथी है, तो फर्क क्या रह गया? मोदी जी कैसे फैला रहे हैं, ये अपने यहाँ कट्टरपंथी कर रहे हैं, वो अपने यहाँ कट्टरपंथी कर रहे हैं। नहीं, कोई जनता नहीं चाहती ना पाकिस्तान की ना हिंदुस्तान की आपस में जंग हो, दोनों एक ही परिवार है, बस देश का बंटवारा जरूर हो गया। उसमें इमरान खान की यह कायरतापूर्ण हरकत है जो ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर गड़बड़ करके तोड़फोड़ की गई है, इसकी हम बेहद कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह गलत है, सबके लिए गलत है। हम चाहेंगे पाकिस्तान इसके लिए माफी मांगे और ननकाना साहिब गुरुद्वारे को पुनः अच्छी स्थिति में बना करके सम्मान दे सिख समाज को और सर्व हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के समस्त वासियों को, क्योंकि आज़ादी से पहले दोनों देश एक ही थे और उसी के बाद ये गड़बड़ी होनी शुरू हुई है। जो बीज अंग्रेज बो गए थे वो आज भुगतने पड़ रहे हैं हम लोगों को। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये CAA NRC की जो चल रही है उसका रिएक्शन ये देखने को मिला है पाकिस्तान। जो पहले से निवासी रह रहे हैं आज़ादी से पहले से, सब ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था, तो आप किसको बाहर भेजेंगे? जो अब नए आ रहे आप उन्हें बाहर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, पर जिन्होंने जन्म ही यहाँ लिया है उन्हें आप कैसे बाहर कर देंगे? ये इनकी गलती है, इसमें ये सुधार करें। तो इस सरकार से, भारत सरकार से क्या कहना चाहोगे, क्या मांग लेकर आप लोग आज वहाँ पर जा रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा गुरुद्वारा नानक साहिब पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए और समस्त भारतीयों को मिलकर उस पर कब्जा करना चाहिए, वहाँ पर खुद अपना वो रहे, वहाँ तक हमारी सीमा रहे, हम ये चाहेंगे। ठीक है, आप क्या कहना? ये सब नरेंद्र मोदी जी का कराया गया है। ये जो CRC बिल या NRP जो बिल आया है इसकी वजह से हो रहा है। ये एक्चुअली चाहता है कि जो सिख जो साथ दे रहे हैं मुसलमानों का, हिंदू साथ दे रहे हैं मुसलमानों का, क्रिश्चियन दे रहे हैं, ये सब ननकाना साहब में जो भी हुआ ये नरेंद्र मोदी का पिट्ठू था, ये सब नरेंद्र मोदी जी का करवाया हुआ है ताकि सिख और मुसलमान आपको कैसे आपस में आप कैसे कह सकते हैं मोदी जी ने कर... ये क्योंकि CRC के बिल के बाद ये सब कुछ हुआ। आज तक तो कभी पथराव नहीं हुआ, आज तक तो कभी पथराव नहीं हुआ, ये अचानक कैसे पथराव हो गए गुरुद्वारे के अंदर? ये सब नरेंद्र मोदी जी का किराया धरा है, ये नरेंद्र मोदी जी भुगतेगा इसके लिए। और मैं अपनी पूरी सिख कौम से ये कहना चाहती हूँ कि ये भड़काए में ना आए और हिंदू सिख क्रिश्चियन मुसलमान सब एक है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं हमारी कांग्रेस की नीतियों को अपनाने की, लेकिन वो आउट ऑफ ट्रैक, उनके पास ना कोई नीति है ना नियति उनकी साफ है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। आज देखिए अर्थव्यवस्था कितनी गिरती जा रही है, महंगाई कितनी हो रही है, बेरोजगारी कितनी हो रही है, और उन्होंने देश में पूरे में आग लगा दी है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आप देखिए कितनी मोदी जी ने इनकी सरकार ने पूरा देश जल रहा है। सर गरीबों की तरफ देखो, हमारे हम उन्हीं की जनता है, वो हमारे मालिक है, इतना भी ना करे कि जो कि हिंदुस्तान में रह ही नहीं सकते तुम। और दूसरी बात ये हमारे प्रधानमंत्री जी थी मैडम इंदिरा गांधी जी, वो कहा करती थी कि मुझे चिंता नहीं, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, मेरा खून का एक एक कतरा मेरे देश को मजबूती देगा। और एक ये प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय मोदी जी, इनका कहना है भैया मुझे कुछ नहीं लेना बहनों भाइयों, मैं तो झोला झंकर उठा के चला जाऊंगा। सर देश कहाँ, नए साल पे उन्होंने रेलवे का किराया भी बढ़ा दिया है, इस पर क्या कहेंगे? सर कई चीजों में महंगाई के नए साल के उपलक्ष्य में कितनी महंगाई कर दी, अब रेल का किराया बढ़ा दिया, और रेल का किराया बढ़ाया चलो उसको सहन कर लेंगे, बट वो हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उतनी सुविधाएं तो दें, किराया बढ़ा दिया सुविधाएं कुछ नहीं है। सर प्याज के रेट 100 से ऊपर चल रहे हैं और 100 से नहीं सर, हमें प्याज खाती नहीं है। सर वो प्याज नहीं खाती, पूरा देश तो प्याज खाता है, लेकिन उनका जवाब जो है वो कोई तर्कविहीन है। ये मैं समझता हूँ सर ये पूरी सरकारी तर्कविहीन ही है, पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते देश को, क्या उद्देश्य है? अरे तुम्हें सत्ता मिल गई है, लेकिन वाला क्या महंगाई एक मुद्दा बनेगा यहाँ पर? सर महंगाई भी मुद्दा बनेगा, और ये जो नजायज हो रहा है NRC NPR ये सभी मुद्दे बनेंगे। और जागरूक है भारत की जनता, बेवकूफ बन गई है दो दो बार, अब बेवकूफ बनने वाले नहीं है। हमारे जो यही बातें हमारे केजरीवाल साहब के साथ है, वो कहते कुछ है करते कुछ है, योजनाएं बना दी है। मैडम माननीय शीला दीक्षित जी ने कितनी कॉलोनी, स्मृति ईरानी या राजनाथ सिंह या जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, वो महंगाई को लेकर गले में प्याज की माला, सर
घरों पे सिलेंडर रख के आते थे, अब क्यों बयान नहीं देते? सर अब वो नजर चुरा रहे हैं। पहले स्मृति ईरानी जी भी या जो भी केंद्रीय मंत्री भाजपा के थे, सर बड़ा एजिटेशन करते थे, विरोध करते थे, और अब उनको इन बात इस विषय पर, इस मुद्दे पर बयान देने में भी शर्म आ रही, हिचक रहे, ये बड़े ताज्जुब की बात है। और भैया साइकिल अलग से, अलग से, और भैया और हीरो होंडा अलग से, अलग से, और हीरो होंडा अलग से, अलग से, बड़े बड़े लोगन के मोटर और गाड़ी, 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 और हीरो होंडा अलग से, अलग से, और हीरो होंडा अलग से, अलग से, हमरे गरीबन के साइकिल जुलमवा, चलने से चार बटे फट से, फट से, चलने से चार बटे फट से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, कहाँ आप तो लगे जाए लग से, फट से, आंदोलन में देखा गया, हम भी लगातार देख रहे हैं, मुख्य धारा की मीडिया का जितने प्रदर्शनकारी हैं बहुत विरोध कर रहे हैं, उसका बायकॉट कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? विरोध सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आम जनता नहीं कर रही है। मीडिया का विरोध, मीडिया के अंदर देखो जो सही मीडिया है वो सामने आ ही नहीं पा रही है, गलत मीडिया है जो सिर्फ मीडिया बीजेपी की बात बोल रही है, आधी बात बताती है, आधी बात गायब कर देती है, पुलिस का कुछ नहीं दिखा रही है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या पुलिस ने फायर नहीं किया वो कहाँ है, या पुलिस ने बर्बरता नहीं की वो कहाँ है? तो क्या इस पूरे मुद्दे में मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका रही है? मीडिया की भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका है, मीडिया से बड़ी भूमिका किसकी हो सकती है? वही सही दिखाएंगे और वही गलत दिखाएंगे, तो मीडिया को खुद को समझना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं।